लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को बीते दिनों पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया था, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां भी पूरी कर ली थी, लेकिन फ्रांस में कोरोना वायरस को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। बता दें कि एक्ट्रेस को ग्लोबल फैशन हाउस लुई वुइटन ने निमंत्रण भेजा था। दीपिका पादुकोण 3 मार्च को होने वाले फैशन वीक का हिस्सा बनने वाली थी। एक्ट्रेस के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, दीपिका पादुकोण चल रहे पेरिस फैशन वीक के अंतर्गत लुई वुइटन के फैशन वीक 2020 शो में भाग लेने के लिए फ्रांस जाने वाली थीं। हालांकि फ्रांस में कोरोना वायरस के हालिया हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस फिल्म 83 में नजर आने वाली है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के अपोजिट नजर आएंगी। दोनों शादी के बाद पहली बार साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म 83 क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत की कहानी है, जिसमें रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दीपिका पादुकोण फिल्म में उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। 83 इसी साल 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है।